एमपीएससी फार्मासिस्ट के लिए बुक्स कौन से रेफ़र करना है, ये एक शॉर्ट में बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, के डी त्रिपाठी का बुक आपको रेफ़र करना होगा टॉक्सिकोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी के लिए। लास्ट का जो सेक्शन है वहाँ पे टॉक्सिकोलॉजी मेंशन किया है, और आप इंटरनेट का भी यूज़ कर सकते हो। नंबर दो की चीज़ हॉस्पिटल फार्मेसी, वहाँ पे मेजर सब्जेक्ट दिया गया है। उसके अंदर ही माइक्रोबायोलॉजी का वो छोटा सा सेक्शन आता है, मीडिया ऑफ प्रिपरेशन वगैरह उसके अंदर ही आता है। तो कादरी सर की एक बुक है, वो रेफर कर सकते हो, नहीं तो अनीस मोहम्मद, ठीक है, उनकी एक डिग्री की बुक है, तो वो आप क्या कर सकते हो, रेफ़र कर सकते हो। फार्मास्यूटिकल ज्यूरिसप्रूडेंस के लिए बेयर एक्ट आपको मिलेगी, नहीं तो नेट पे आप डालिए वो एक्ट मिलेंगे, नहीं तो कुचेकर सर की एक बुक है, वो कुचेकर सर की बुक आप क्या कर सकते हो, रेफ़र कर सकते हो। फार्मास्यूटिक्स के लिए आप आर एम मेहता रेफ़र कीजिए, ठीक है। आर एम मेहता के डिप्लोमा का भी अगर रेफ़र किया पार्ट वन एंड टू, तो बहुत मेजर पोर्शन अच्छी तरह से इंपॉर्टेंट कवर होता है उसमें, तो पार्ट वन एंड पार्ट टू वो भी रेफ़र कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको ये चार ही मेजर सेक्शंस दिए गए हैं एमपीएससी फार्मासिस्ट के लिए, इसके अलावा अगर आपको करना है रेफ़र, तो कॉम्पिटिटिव फार्मा बुक है, तो उसमें क्वेश्चंस भी है और शॉर्ट में ये सब सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन भी है, वो भी आप क्या कर सकते हो, रेफ़र कर सकते हो, वो बहुत ही यूज़फुल रहेगी, ठीक है। तो इतने ही बुक्स रेफ़र कीजिए, और एक बुक ज़्यादा से ज़्यादा बार रीडिंग कीजिए, नोट्स अच्छी तरह से बनाइए, नहीं तो हमारा कोर्स जो चालू है, कोर्स के अंदर भी ये सब कंटेंट मैं ऐड करूँगा, ठीक है, ये सब कंटेंट उसके अंदर भी आ जाएगा। थैंक यू।